साई ये मशहूर हो चुका है। रहलत और सफ़र, यानी आपने कहाँ कहाँ सफ़र किया, किस लिए सफ़र किया, कितने आपने सफ़र किए। इमाम नसाई रहमतुल्लाह अलैह की इब्तदाई तालीम का पता नहीं चल सका, सिर्फ आपके तलब हदीस के लिए यानी हदीस का इल्म हासिल करने के लिए। दूर दराज के असफ़ार के तस्करे मिलते हैं कि आपने दूर दूर तक सफ़र किया इल्म हदीस हासिल करने के लिए, जिनमें हिजाज, इराक, शाम, जज़ायर और खरासान शामिल हैं। आपका पहला सफ़र खरासान की तरफ था। वहाँ के मशाइख से यानी वहाँ के बड़े बड़े उलमा से, मशहूर मुहद्दिसीन से इस्तेफादे के बाद यानी उनसे फ़ायदा उठाने के बाद बगदाद को शरफ़ उरूद बख्शा, यानी बगदाद को आपकी तशरीफ़ आवरी हुई, बगदाद आप तशरीफ़ लाए। शरफ़ उरूद बख्शा यानी आने का शरफ बगदाद को दिया, यानी आप वहाँ पर तशरीफ़ लाए। वहाँ इमाम कुतैबा के पास एक साल दो माह रहे यानी 14 महीने, लेकिन इस रहलत के सन में इख्तलाफ है कि आप कब वहाँ बगदाद तशरीफ़ ले गए, उसमें भी इख्तलाफ है। अब